रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मानचित्रों का लघुकरण रिडक्शन ऑफ द मैप आलेखी विधि द्वारा आलेखी विधि में विकिरण जो विधि है रे मेथड उसके द्वारा इस प्रश्न का हल करेंगे। यहाँ एक प्रश्न दिया गया है आरएफ एक अनुपात 40,000 पर बने किसी नदी के मानचित्र का आरएफ एक अनुपात 70,000 प्रदर्शक बीन पर किसी विकिरण विधि द्वारा इसका लघुकरण करना है। तो इसमें किरण विधि रे मेथड है वो दिया हुआ है, इसी विधि से करना है। तो इसमें सूत्र है जैसा कि आपने विवर्धन में सूत्र लगाया था, यानी इनलार्जमेंट ऑफ मैप में जो आपने सूत्र फॉर्मूला काम लिया था एक्स बराबर नई मापनी बटा पुरानी मापनी वही सूत्र है। तो आपको नई मापनी ये दे रखी है तो मैंने लिख दिया 1/70,000 और बटा पुरानी मापनी दी हुई है वो 1/40,000। इसको गणना करेंगे तो ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम रखेंगे और ये इसको उल्टा करके रखेंगे तो ये जो भाग है यानी डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4/7 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार अर्थात जो मूल मानचित्र है उसका 4/7 लघुकरण करना होगा। तो इसमें मैंने ये नदी दे रखी है, इसका क्या करना है लघुकरण करना, यानी ये बिग साइज की है इसको छोटा करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको नदी के ऊपर इस नदी के ऊपर एक लाइन खींचनी है इस प्रकार, और इसका नाम आप ए और बी अंकित करना, आपको ए और बी अंकित करना है और इसका दो टुकड़े करने जिसको बोला जाता है रेखागणित की भाषा में समद्विभाजन। इसके लिए प्रकार को आधे से ज्यादा खोलना है, चाप ऊपर की ओर एक चाप नीचे की ओर, यही प्रक्रिया बी बिंदु से करनी है, चाप ऊपर की ओर और नीचे की ओर। तो इस प्रकार इस रेखा का क्या हो जाएगा समद्विभाजन हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार रखकर ए बी रेखा के दो टुकड़े आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार किसी रेखा का समद्विभाजन हम कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी प्राप्त किया ये 7/4 यानी टोटल टुकड़े होंगे 7 और उसमें छोटा इस भाग पर लाना है, नदी को इस भाग पर बनाना है। तो अब आपको यहाँ पी बिंदु अंकित करना है और इसके पी बी के 60 टुकड़े करने, कितने करने पी बी रेखा के 60 टुकड़े करने, इस प्रकार इसके 60 टुकड़े करने। तो इसमें ये सुविधा ये रहेगी कि 7 सेमी का चाप प्रकार के द्वारा मारना होगा तो अपने आप ही 7 सेमी के हो जाएंगे जिससे टुकड़े करने नहीं होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रकार मैंने 7 सेमी खोल लिया है और अब इसको मैं बी पर रखूंगा, ये आसान विधि है। तो यहाँ अपना पी बिंदु यहाँ प्राप्त हो जाएगा, वहां तो अनुमानित था और इसको आप नीचे यहाँ पी बिंदु अंकित कर देना। तो यहाँ भी पी बिंदु प्राप्त हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको पी को बी से मिलाना है, इस प्रकार आप पी को बी से मिला सकते हैं इस प्रकार। इसी क्रम में आपको पी बिंदु से ए बिंदु को भी मिलाना होगा। पी और बी बिंदु की आपको जानकारी होगी, इसकी हमने 7 सेमी पी बी की दूरी ली थी। तो प्रकार को आपको खोलना है 1 सेमी, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप 1 सेमी मैंने प्रकार खोल लिया है। अब बी बिंदु के ऊपर रखकर चाप मारते जाना 1
दो तीन चार पांच छह और ये लास्ट वाला सात, अपने आप इसके 60 टुकड़े हो गए क्योंकि उत्तर आया था 4/7। तो अब आपको क्या करना है, यह 4 से इस प्रकार की रेखा खींचनी है इस AB के समांतर, बराबर आए इसलिए दोनों तरफ ही ये टुकड़े कीजिएगा, जिससे आपको आपको 4 लेनी है तो 4 ये इस प्रकार टुकड़े बराबर करने होंगे। तो 4:7 था ना, तो 1, 2, 3 और 4, यानी ये 4 यहाँ आ गया, तो इसको इससे मिला दीजिएगा, सुविधा रहेगी मिलाने में, इसलिए मैंने दोनों ओर इसका विभाजन किया है। तो ये रेखा प्राप्त हो गई और इसका नामांकन भी ये हो गई सी और ये हो जाएगा डी। तो इस पर ये नदी का चित्र बनाना है। अब इसका उप विभाजन और कीजिएगा, जिससे नदी के चित्र स्पष्ट तो या एकदम सही बने। मैं सी डी के जो रेखा है इसके 5 टुकड़े कर रहा हूँ, जिससे ये चित्र सही स्पष्ट तो या बने। एक इसको बराबर करने हैं टुकड़े, दो चार, एक ये हो जाएगा खुद इस प्रकार, ये इसके बराबर टुकड़े हो गए सीडी रेखा के। अब इस नदी का चित्र है वो बनाना है। पेंसिल की सहायता से देखिए इस पार्ट में ये इतना सा ना, यहाँ तो ऐसे आपको इस प्रकार बनाना है, यहाँ इस प्रकार, इस पार्ट में ये है तो इस प्रकार इसको घुमाना है, इस प्रकार ऊपर तक ले जाना है इसको इस प्रकार, क्योंकि ये लघुकरण हो रहा है तो चित्र छोटा बनेगा। इस पार्ट में ऊपर है तो इस प्रकार, जैसा कि आपको दिखाई दे इसी में आपको इस प्रकार करने हैं। इस लाइन में यहाँ से नीचे आया है तो आप इसको नीचे ले आइए, दोनों तो लाइन साथ चलाइए इस प्रकार, ये चित्र धीरे धीरे बन जाएगा, इसको आपको पक्का कर देना है। अब मैं इसको पक्का बना रहा हूं इस प्रकार, किसी भी मानचित्र का लघुकरण या विवर्धन हम किरण विधि द्वारा कर सकते हैं। हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए, अपना बहुमूल्य कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद।